हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदार कंठा। और सुबह उठते ही जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया है, पूरा का पूरा हुस्न आवाज बदल गया। सो गाइस, लकीली करीबन 2-3 बजे के आसपास बर्फ पड़ना बंद हो गया था, तो हमने फटाफट तैयारी करी, लंच वगैरह करा, और अभी हो गया 4:30। हम लोगों ने ये वाला कैंप साइट छोड़ के अब हम बेस कैंप की ओर जा रहे हैं। उसमें अराउंड हमको 2 घंटे लगने वाले हैं। सो आई होप अब बर्फ़ वगैरह ना पड़े और विंडी वेदर ना रहे, ताकि हम आसानी से पहुंच जाएं। और कल प्लान ये है कि कल अर्ली मॉर्निंग सबमिट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम कैंप साइट से जा रहे हैं सीधे जुड़ा का तालाब, वहीं से ऊपर को रास्ता जाता है। सो गाइस, हमने माइक्रो स्पाइक्स पहने हुए हैं ताकि जूते स्लिप ना करें, बिकॉज जो स्नो है वो बिल्कुल रास्ते में जम गई है। सो गाइस, यहाँ से हमारे जुदा के तालाब से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है बेस कैंप के लिए। सो गाइस, हाउ इज द जोस? हाय सर। हाउ इज द जोस? हाय सर। तो गाइस, जुदा के तालाब से पहला तो एकदम स्टीप है पैच, अभी पता नहीं कितना लंबा स्टीप है, देखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है, मज़ा आ रहा है। पूरा लंच जितना किया था सारा पच गया है। सो गाइस, स्टीप जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है। बट ऐसे स्टीप पे चलने का एक ट्रिक है, मैंने अपनी नाग तिब्बा वाली ट्रैकिंग वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नाग तिब्बा वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कहीं आई बटन में आ रहा होगा। तो ट्रिक वो ये है कि जब भी आप चल रहे हो स्टीप में, छोटे से छोटे कदम रखो और अपनी ब्रीदिंग रिदम को मैच करो अपने कदम से। इनहेल एक्सहेल के साथ साथ कदम चलने चाहिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब चढ़ाई ख़त्म हो गई। तो फिलहाल मैं ऐसे ही करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। और गाइस, थोड़ा सा मैं व्लॉगिंग कम कर पाऊँगा, बिकॉज ना बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है यहाँ पे ठंड की वजह से। सो इतने में काम चला लेना भाई लोग। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद एक व्यू दिख रहा है यहाँ से स्वर्गारोहणी वाला, जो पीक मैंने बताया था ना वो क्लीन दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, जो कल मैं बता रहा था ना आपको, विंडी वेदर हो गया था, तो अभी जो लोग नीचे आ रहे हैं वो लोग बेस कैंप पे थे उस टाइम पे, और उनकी पूरी बेस कैंप की जो टेंट वगैरह थे सारे उखड़ गए थे, उस वजह से वो लोग सबमिट नहीं कर पाए और अब बिना सबमिट करे नीचे आए हुए हैं। तो वेदर का कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको हो सकता है जुड़ा का तालाब से वापस जाना पड़ जाए या फिर बेस कैंप से वापस जाना पड़ जाए, बट आई होप कि अभी वेदर ख़राब ना हो और हम लोग अच्छे से सबमिट कर लें। जो आप जैसे आप थोड़ा यहाँ पे टर्न आएगा, वहाँ पे एक ढाबा दिखेगा आपको, वहीं तक स्टीप है, उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट स्टार्ट हो जाता है। और राहुल जी हमारी थोड़ा डिले कर रहे हैं, राहुल जी थोड़ा जल्दी आइए प्लीज। पैदा हुए, ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, 2 कदम चलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये दांत वाले जूते ना होते तो ना हो पाता, 3-4 हज़ार इकट्ठा कर दिए होते हमने। सो गाइस, वहाँ से थोड़ा सा और फ्लैट चलने के बाद आपको यहाँ से समिट भी देखने को मिल रहा है। और एक्चुअली जो यहाँ पे रश काफ़ी है अभी दिसंबर के टाइम में, तो ट्रैफिक जाम हो जा रहा है बीच बीच में, लेकिन वर्थ है आना। जो स्टीप है ना, उसके बाद जो फ्लैट है वो उसी जो ढाबा मैंने बताया था वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल रास्ता है इस तरीके से। अपना अभी मैं आगे जाके दिखाता हूँ मोड़ पर, यहाँ से थोड़ा थोड़ा समिट दिखने लगा है, तो मतलब हम बेस कैंप के नज़दीक आ गए हैं। आई होप आज वेदर साथ दे हमारा, विंडी मौसम ना रहे रात को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। सो गाइस, फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुंच गए हैं। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे है और जो समिट है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। तो जुदा के तालाब से कुछ ज़्यादा नहीं है बेस कैंप मुझे ऐसा लगा, और अगर आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्टीप है, उसके बाद नॉर्मल है। सो गाइस, मैं आपको रोहित भाई से मिलाता हूँ,
इनकी यहाँ पे क्रेजी माउंटेनियर करके जो कैंप साइट थी जहाँ पर हम रुके थे, तो बहुत ही अमेजिंग कैंप साइट है। हाय गाइस, सो अभी हम लोग केदारकांठा बेस कैंप पे पहुँच चुके हैं और सामने है केदारकांठा पीक। तो आई होप टुमारो द वेदर विल बी क्लियर, देन वी कैन मूव फॉर समिट। और एक बताओ, अगर किसी को बुकिंग करानी हो तो डायरेक्टली वो जो नंबर है आपका सीधे उस पर कॉल कर सकते हैं ना? आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो thecrazymountaineers.com, या तो आप साइट पे कॉन्टेक्ट कर लो, बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके थैंक्स। सो गाइस, एक तो वेदर एकदम गुम है और बहुत ही अंधेरा हो गया है। फाइनली हम अपने कैंप साइट में पहुंच गए हैं, बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर जाके हैं। अब फिलहाल हमने यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट कर लिया है ट्रैक, अब समीट जाए ना जाए ये तो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट और लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल एक बार कैंप में सेटल हो जाते हैं, फिर देखते हैं डिनर करके सोना है, बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें समिट के लिए निकलना है। तो आई होप कि शाम को वेदर ठीक रहे। सो गाइस, ठंडी एकदम से बढ़ गई थी और अंधेरा हो गया था बाहर बिल्कुल भी, तो मैं अपने टेंट के अंदर आ गया हूँ और मैंने सोचा थोड़ा सामान वामान सेटल कर देता हूँ, उसके बाद हमें डिनर वगैरह करना है और सीधे सो जाना है, बिकॉज कल सुबह अर्ली मॉर्निंग समिट के उठना है। शायद 3 बजे या 4 बजे उठना पड़े, प्रॉब्ली शायद 2 बजे भी उठना पड़ सकता है, बिकॉज नो वॉशरूम वगैरह के ऐसे सारा ग्रुप है। तो इसलिए मुझे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी क्वेरीज या सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। कल सबमिट की वीडियो आने वाली, सो स्टे ट्यून। Come on, guys.